हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्या है कि विच बुक इज बेस्ट फॉर क्लास ट्वेल्थ मैथ। कौन सा बुक जो क्लास ट्वेल्थ मैथ के लिए क्या होगा, बेस्ट होगा आपका। और इस बेस्ट कहने का मतलब कि हम बोर्ड को भी देख रहे होंगे और बोर्ड के साथ साथ जो अपकमिंग आपकी गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्जामिनेशन है, जो ट्वेल्थ बेस पे आपका कंडक्ट होता है, डिफेंस सेक्टर में हो गया या जेई का आपका होता है या आपको हायर स्टडी करना है, ठीक है, तो उस टॉपिक को भी, उसको नज़र रखते हुए भी हम क्या करेंगे, उस बुक का हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा बुक क्या होगा, कौन सी कंडीशन के लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो तीन सेक्टर में बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे हम। पहले सेक्टर हम डिवाइड करेंगे आपको डिफेंस एग्ज़ाम में जो जाना चाहता है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता है तो उसको क्लास ट्वेल्थ में आपको कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहिए ताकि आपको बोर्ड भी क्लियर हो जाए और जिस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, उसमें जो मैथ का पोर्शन आता है वो भी आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला सेक्टर हो गया। दूसरा सेक्टर हो गया, अगर जो बच्चे क्या हो इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, जेई का जिनको पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है, ठीक है, इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा मैथ का बुक बेस्ट होगा, सेकेंड सेक्टर हो गया। तीसरा सेक्टर ये आपका, जो बच्चे क्या हो चाहते हैं क्लास ट्वेल्थ के बाद उनको टीचिंग फील्ड में जाना है या रिसर्च फील्ड में जाना है या वो मैथ सब्जेक्ट से ही क्या करना है, हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा बुक ज़्यादा सूटेबल होगा, इन तीनों सेक्टर को नज़र रखते हुए भी क्या करेंगे हम, बुक आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा बुक ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, जानने से पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट में कौन से बुक अवेलेबल है पहले, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ मैथ के लिए। तो तीन तरीके के यहाँ पे मैंने बुक, मोटा मोटा जो ज़्यादा बढ़िया बुक है ये तीन तरीके की ही है, और एक यहाँ से बुक में ऐड करना चाहूँगा, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी होता है एक, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है आपका, एक एनसीईआरटी आपका एग्जाम्पलर भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है, ये भी काम की चीज़ है। ये चार बुक आपका क्या है मार्केट में अवेलेबल है। पहला बुक है आपका आरडी शर्मा, ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। दूसरा बुक है आपका एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो आपको क्या करता है, ये सीबीएसई बोर्ड रिकमेंड करता है क्लास ट्वेल्थ मैथ के लिए, ठीक है, बोर्ड के लिए सफिशियंट है। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेते हैं तो बोर्ड के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। और तीसरा बुक है आपका आर एस अग्रवाल, ठीक है। तो ये तीन, ये आपके चार जो बुक हैं मोटा मोटी देखा जाए तो ये चार बुक जो आपका है ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन कौन सा बुक जो होगा, कौन से सेक्टर के लिए सूटेबल होगा, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और वो मैं भी बता देना चाहता हूँ कि वो कब से, कितने टाइम से आप स्टार्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका फिनिश भी हो जाएगा बोर्ड के एग्ज़ाम आते आते, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कब से वो उस बुक को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया है यहाँ पे, क्या कर दिया, तीन सेक्टर में डिवीज़न कर दिया है बुक का कि कौन सा बुक किस सेक्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। पहला सेक्टर है आपका जो है डिफेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड के साथ साथ डिफेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो NDA हो गया, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया, नेवी हो गया, ICG हो गया और आर्मी हो गया, जिसमें 10+2 की मैथ पूछी जाती है, जिसमें क्या होती है 10+2 की मैथ पूछी जाती है, तो उनके लिए जो बेस्ट बुक होगा ना, जो बेस्ट बुक होगा वो आर एस अग्रवाल होगा प्लस NCERT होगा। अभी NCERT में क्यों ऐड कर रहा हूँ आर एस अग्रवाल के साथ, आर एस अग्रवाल तो जो होगा आपका कि NCERT में क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत कम दिए गए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन बहुत कम दिए गए हैं NCERT में, ठीक है। तो NCERT तो आपके बोर्ड के लिए पूरा क्या है, सफिशियंट है। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन पास करना है तो NCERT सफिशियंट है, तो NCERT को आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में भी अच्छे नंबर हमको ले आने हैं। और आर एस अग्रवाल क्या है ना, जो कंसेप्ट हमने बिल्ड कर लिया उस पर लार्ज नंबर ऑफ उसको क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आर एस अग्रवाल मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया है। तो अगर ये दोनों आप बुक को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, तो इस एग्ज़ाम में अगर 10+2 की मैथ आती है उसको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, आसानी से उसको क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो मैथ के लिए जो भी डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं वो आर एस अग्रवाल प्लस NCERT इस बुक पे, इन दोनों बुक पे अच्छा खासा कमांड बना लें और बेसिक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें तो इजी हो जाएगा मैथ को सेक्शन को क्लियर करना, ठीक है। तो ये रहा सेक्टर नंबर 1। और इतना पढ़ लेते हैं ना, इतना अगर ये कवर कर लेते हैं तो बोर्ड में अच्छा खासा आप 90 अबव मार्क
अचीव कर सकते हैं, ठीक है, मैथ में। तो इतना आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सेकेंड सेक्टर जो है आपका, सेकेंड सेक्टर जो आपका मैंने चूज किया यहाँ पे, जेई मेंस के लिए प्लस हायर स्टडी इन मैथ्स। अगर जो बच्चा क्या हो, जेई इंजीनियरिंग के लिए वो देख रहा हो, तैयारी कर रहा हो, और वो या उसको हायर स्टडी क्या करना है, मैथमेटिक्स में करना है, जैसे बीएससी करना है, बीएससी के बाद एमएससी करना है, एमएससी तक जाना है, तो उसके लिए कौन सा बुक अच्छा होगा, कौन सा बुक ज़्यादा बेहतर होगा, तो उस सेक्टर के लिए जो है ना, आरडी शर्मा और एनसीईआरटी। आरडी शर्मा आप कर लीजिए और प्लस एनसीईआरटी को ऐड कर लीजिए। तो आरडी शर्मा कर लेंगे तो बेसिकली आपका क्या होगा, एनसीईआरटी भी हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में तब बोल रहा हूँ ना, जब आपका बोर्ड पेपर आएगा, जब बोर्ड का पेपर एक महीने दो महीने बस रहेंगे, तो उस टाइम आरडी शर्मा को नहीं पढ़ना है, उस टाइम में आरडी शर्मा को पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, उस टाइम पे बस एनसीईआरटी फोकस करना है। दो महीने एनसीईआरटी को एकदम फोकस करना है, हर एक क्वेश्चन रट करना है, ठीक है, कंसेप्ट को समझ के हर एक क्वेश्चन को रट करना है। तो ये आपका जो होगा ना, आरडी शर्मा बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के भी दिए हैं, मतलब बोर्ड का भी तो कंसेप्ट है ही है, प्लस एडिशनल कुछ कंसेप्ट भी इसमें दिए गए हैं, तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है आपका, ठीक है। जो बच्चे क्लास 11 पढ़ रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि हाँ, आरडी शर्मा किस टाइप की बुक है, ठीक है। तो ये दोनों बुक बहुत ही परफेक्ट है, तो आप इसको कर लीजिए, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और कुछ स्टैंडर्ड लेवल की कुछ कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप कर, ये दोनों बुक क्या कर लीजिए, पूरे अच्छे तरीके से लगा लीजिए। थर्ड सेक्टर है, जो बच्चे ऐसे आते हैं जिनको क्या करना है, बस बोर्ड एग्जामिनेशन पास करना है, ठीक है, उनको ट्वेल्थ के बाद और कुछ करना होगा, ठीक है, तो बस उनको बोर्ड एग्जामिनेशन पास करना है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बस क्या कर लीजिए, आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी को हर एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए गए ना, सारा क्वेश्चन एक एक करके लगा लीजिए, कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर टाइम आपके पास बचता है, तो क्या कर लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा लीजिए। तो ये जो कंसेप्ट दोनों बनेगा ना, ये अगर इतना कर लेते हैं तो ईजिली आप क्या कर लेंगे, 80-85 मार्क अचीव कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, 80-85। क्योंकि आजकल के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर क्या होता है ना, कुछ तीन चार क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं रहता है, एनसीईआरटी मिसलिनियस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी नहीं दिया होता है, वो इन बुक से आ जाते हैं, आरडी शर्मा और आर एस अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाते हैं, वो बेसिकली बच्चों को टाइम वेस्ट करने के लिए वो डाला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इतना कर लेते हैं एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो आपका बोर्ड में मिनिमम नहीं आएगा तो 80-85 मार्क आप कवर कर लेंगे, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतना मार्क कवर कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत कम समय में हो जाएगा, बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आपको बुक का ये कलेक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कौन सा बुक कौन सा पढ़ना है। और अब और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताता हूँ, अब देखो कौन सा बुक कितने टाइम इंटरवल में स्टार्ट करना है और कितने टाइम इंटरवल में फिनिश करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। पजला की बोर्ड एग्जामिनेशन है, आप आरडी शर्मा लगाना स्टार्ट किए और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है आपसे, क्योंकि दो वॉल्यूम होती है उसकी, बहुत खतरनाक, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज दिया रहता है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा दिए रहते हैं, तो उस पर टाइम देना पड़ता है अगर उसको फिनिश करना है। तो आरडी शर्मा आप लगाना चाहते हैं, आरडी शर्मा आप लगाना चाहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं इसको, तो आप डे वन से स्टार्ट कर दीजिए, क्लास 12 का डे वन से ही क्या करना चाहिए, आरडी शर्मा स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए उसको। और गर्मी की छुट्टियों में भी लगाते रहिए, ये नहीं कि गर्मी की छुट्टियों में बैठ जाना है तो आरडी शर्मा फिनिश नहीं होगा, बाबा है वो, ठीक है, टाइम लेते हैं ख़त्म होने में। तो इसको डे वन से लगाना स्टार्ट कर दीजिए, डे वन से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और टारगेट होना चाहिए इसको फिनिश करने के लिए फेब तक आपका क्या हो, ये ख़त्म हो जाए, फेब तो ज़्यादा ही बोल दिया मैं, जनवरी तक इसको ख़त्म करो, जैन तक क्या कर दो, ख़त्म कर दो इसको। डे वन से जैन तक क्या होना चाहिए, आरडी शर्मा ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, आरडी शर्मा ख़त्म हो गया, उसके बाद से क्या कर दो, पूरे फेब्रुवरी और मार्च पेपर तक, फेब्रुवरी से लेकर पेपर तक, पूरा मार्च तक क्या करो, एनसीईआरटी लगाओ और क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ट, मतलब क्लास 12th मैथ में अच्छा नंबर लाना है तो एनसीईआरटी बोर्ड के टाइम में, एनसीईआरटी बोर्ड के समय, मतलब बोर्ड आने से पहले दो महीना पहले एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, कोई भी पब्लिकेशन का, आर्यंत को हो, सवाल का हो, जितने भी आते हैं कोई भी लगा लो प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो आपका क्या कर देगा, वो कंसेप्ट को बूस्ट कर देगा। और आपको पता भी चल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो 5 साल का या 10 साल का क्या करो, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो उसके अच्छे तरीके से,
जम के बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, आर एस अग्रवाल ये क्या होगा, आर एस अग्रवाल भी क्या हो, इसको भी डे वन से स्टार्ट करो, डे वन से स्टार्ट करते हो या दो तीन महीना इसमें लेट भी स्टार्ट करते हो आर एस अग्रवाल को, तो वो फिनिश कर लोगे, क्योंकि आर एस अग्रवाल बहुत ही थोड़ा सा एनसीईआरटी से उसमें ज़्यादा दिया रहता है, तो वो कर लोगे तुम। लेकिन अगर कोई बच्चा आता है कि मिड सेमेस्टर में आ गया, मान लो 6 महीने बाद आया, और 6 महीने बाद वो सोच रहा है कि स्टार्ट करूँ मैं आरडी शर्मा को और ख़त्म कर दूँ 6 महीने में, घंटा नहीं ख़त्म होगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गलती मत करना। उस टाइम पे क्या करना, आर एस अग्रवाल बाबू पकड़ लेना, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी को कम्बिनेशन बना के चलना। ठीक है, बाद में ये सब ख़त्म करते रहना, लेकिन बोर्ड से कोई मजाक नहीं, पहले बोर्ड पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो बोर्ड के लिए एनसीईआरटी हमेशा, एनसीईआरटी जो बुक है वो बेस्ट है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर, बोर्ड का मूल मंत्र वही है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर, दबा के लगा लो, अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा का आपका बुक का कलेक्शन, और मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी बता देता हूँ आपको। क्लास ट्वेल्थ में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लास ट्वेल्थ में आर डी शर्मा का पूरा हमारा कंसेप्ट रहेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, कंसेप्ट के बाद जो क्वेश्चंस लगाते हैं ना, तो मैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज क्या करूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा, और जो एक्सरसाइज होंगे ना, एक्सरसाइज जो होंगे वो आर डी शर्मा का हम करा दूँगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, कोई भी कंसेप्ट, मतलब जो कंसेप्ट होगा ना, वो आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, या आर डी शर्मा हो, सारा का कंसेप्ट सेम ही रहेगा, मतलब मेरे वीडियो का कंटेंट का जो कंसेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, बस मैं क्वेश्चन जो कराऊँगा आपको, कंसेप्ट के बाद जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो वैसे क्या होगा, आपको कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्या हो गए, आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, और एडिशनल में एक्सरसाइज जो कराऊंगा किसका कराऊंगा, आर डी शर्मा कराऊंगा, तो आपका आर डी शर्मा भी कवर हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो गया आपका, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, इन तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया बुक का, और क्वेश्चन किसका किसका हो गया, एनसीईआरटी का हो गया और आपका आर डी शर्मा का हो गया। तो दो बुक आप फिनिश करते कर रहे होंगे, आर डी शर्मा भी प्लस एनसीईआरटी भी। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट पढ़ाने का स्ट्रेटजी रहेगा जो क्लास ट्वेल्थ का, और जो मैं स्टार्ट करूँगा क्लास ट्वेल्थ का पोर्शन, तो कैलकुलस से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कैलकुलस का जो पोर्शन है आपका क्लास ट्वेल्थ में, जो आपका कैलकुलस का पोर्शन है वो 33 नंबर को कवर करता है, 33 मार्क को कवर करता है। तो पहले में हम लोग क्या करेंगे, पहले कैलकुलस को ही ख़त्म करेंगे, उसके बाद से कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, लाइक करना, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना कि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।